जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों का यू आई यू एक्स डिज़ाइनर। सो आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें मैंने आप लोगों को सिखाना है कि आप लोग इंस्टाग्राम पे अगर अपना प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं तो उस पर आप एज अ यू आई या यू एक्स डिज़ाइनर आप कैसे पोस्ट बना के अपलोड कर सकते हैं। सो वीडियो में मेरे साथ रहिए और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारे वीडियोस के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग पोस्ट बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। सो वी आर ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आप इस तरह का किट कैसे मोबाइल डिवाइस के लिए, सबसे पहले आपको मैं यही बताऊंगा कि आप किट कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ से फिग्मा पे जाएंगे और फिग्मा पे आपका जो एक्सप्लोर कम्युनिटी है उस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल डिवाइस मॉकअप समथिंग लाइक दैट। तो आपके पास इस तरह के मॉकअप्स आ जाएंगे, ये है मॉकअप, ये भी है, इस तरह के काफी मॉकअप्स हैं। तो मैं यहाँ से मोबाइल मॉकअप सिर्फ देखता हूँ और उसको डुप्लीकेट फिर करना होता है उस फाइल को जो कि हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये भी एक फाइल है, इस तरह के और फाइल्स हैं, ये मैंने पिक किया है फिलहाल। तो इस पे आप क्या करोगे कि आप इस पे राइट क्लिक करोगे और आप यहाँ से डुप्लीकेट करोगे। तो आपने जैसे ही डुप्लीकेट किया आपके पास इस तरह से फाइल ओपन हो जाएगी और वो मेरे पास यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे आपके पास पेजेस हैं, तो पेजेस में आपके पास यहाँ पे मॉकअप्स हैं, मॉकअप्स में इन्होंने आई थिंक कुछ नहीं रखा। सो डिजाइन में आपके पास ये है एंड ये आपके पास आ गया है। तो इन्होंने आई थिंक कुछ बॉक्सेस वगैरह बनाए, लेट्स से इनको हम पहले साइट पे कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ओके, इन्होंने इसको लॉक किया हुआ था तो लॉक अनलॉक कर देंगे और इसको आप पिक कर लिया यहाँ से। ये है अब हमारे पास इमेज, इन्होंने इमेज में दिया हुआ है, ऑल राइट। सो कोई इशू नहीं है, हमारे पास और भी मॉकअप्स इस तरह से पड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको उठाया हुआ है, ऑलरेडी मॉकअप है तो आप इसको भी ओपन कर सकते हो वहां से, कोई भी आपको फाइल मिल जाएगी। ये इन्होंने आई थिंक अपने लिए बनाया था, तो डिजाइन इनका ये है। तो हमारा जो डिजाइन है वो है रिलेटेड टू, ये मैं आज इंस्टा पे अपलोड करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि आपने इंस्टाग्राम पे कैसे अपलोड करना है। तो मॉकअप का आपको पता चल गया। अब इस पे आप क्लिक करोगे स्क्रीन पे कंट्रोल शिफ्ट सी आपने प्रेस किया एंड यहाँ पे आपके आपने इस मोबाइल को सिलेक्ट किया और ये जो कंट्रोल है कीबोर्ड से वो आपने प्रेस किया और इस पे क्लिक किया, तो ये जो इसका अंदर का लेयर है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपने इसमें कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है, वो तो कंट्रोल शिफ्ट सी से आपने कॉपी किया, फिर कंट्रोल प्रेस करोगे इस अंदर लेयर को सिलेक्ट करोगे और फिर कंट्रोल वी, तो ये आपका डिजाइन इसमें पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह आप इसको कॉपी करें, शिफ्ट प्लस आल्ट से आपने कॉपी पेस्ट किया एंड फिर आप दोबारा उसी को कॉपी एंड पेस्ट करोगे, ये हमारे पास तीन स्क्रीन्स आ जाती है। फिर इसको आपने सेकंड को भी इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी किया और यहाँ पे आपके पास कॉपीड एज पीएनजी आ जाएगा। अब आपने इस पे कंट्रोल प्रेस करके सेम वही प्रोसेस करना है कंट्रोल वी, तो वो आपका यहाँ पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद सेम इसके लिए भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये स्क्रीन कॉपी एंड पेस्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इंस्टा के लिए एक पोस्ट बनाना है इंस्टाग्राम के लिए। सो इंस्टाग्राम के लिए मैं फ्रेम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई। तो इंस्टाग्राम पोस्ट है, इंस्टाग्राम स्टोरी है, तो आपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक किया, आपके पास ये पोस्ट इस तरह से आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बैकग्राउंड पे कोई एक अच्छी सी पिक्चर लगा लेता हूँ, लेट्स से इसको मैं कहता हूँ वन एंड इसके अंदर मैं एक लेयर बना लूंगा इस तरह से, और जो इमेजेस मैंने इस डिजाइन में यूज किए हुए हैं ये सो उसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी कॉपी करूंगा एंड यहां पे कंट्रोल वी कहीं पे भी पेस्ट कर लेता हूं और इसको मैं कंट्रोल से ऐसे पूरा लेयर सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करूंगा। अब इस पे आल्ट पे क्लिक करके, आल्ट आपने प्रेस किया, डबल क्लिक आप इमेज के ऊपर करेंगे। अब आप इसने शिफ्ट के साथ ऐसे आपने स्क्रीन में फिट कर दिया। सो ये आपका था क्रॉपिंग सिस्टम, क्या आप कैसे करते हैं वो मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने इस इमेज को उठाया, ड्रैग किया एंड इस लेयर के अंदर आप ले आए इस तरह से और आपने इसको ये देखें इसके बैक पे चला गया है। सो आपने इसको क्या करना है, ये आपने कंट्रोल एक्स करना है और इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे।
तो ये मेरे पास कुछ इमेज इस तरह से आ गई है। ऑलराइट, सो ये तो हमारे पास आ गई इमेज और ये उसके बैकग्राउंड पे इमेज है। तो बैकग्राउंड पे जो इमेज है उस पर हम क्या करेंगे, एक नया शेड कलर लगाएंगे और उसको हम ब्लैक कलर दे देंगे, जो ब्लैक कलर है हमारा। और ये उसकी ओपेसिटी है तो हम 40% ओपेसिटी रख देते हैं ताकि इफ ज्यादा फोकस इस पे जाए और वो थोड़ा सा प्यारा लगे। सो अब हम क्या करेंगे कि या फिर आप इसी को इमेज को सिलेक्ट करके आप ये हटा दें, आप एक दूसरा लेयर इसके ऊपर कॉपी एंड पेस्ट कर दें और उसमें आप ऐड कर दें कलर ऐसे, और उसको फुल ब्लैक कर दें और उस पे आप 24% ओपेसिटी आप उस पे अप्लाई करें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस पे इफेक्ट डालना है, ब्लर इफेक्ट। सो आपने यहाँ पे ब्लर इफेक्ट सेलेक्ट किया और इसको हम दे देते हैं 40% ब्लर इफेक्ट, या फिर ये बहुत ज्यादा हो गया 24% कर दें। चेक करते हैं कि कौन सा अच्छा लगता है, 12% इज गुड, फेयर इनफ। ओके, सो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा इसकी इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये ऐसे हो गया। तो ये आपके पास आ गई इमेज फर्स्ट स्क्रीन की, तो ये आपका आ गया इस तरह से। अगर आपने साथ में कुछ फॉन्ट ऐड करने हैं तो आप इसी से फॉन्ट उठा के यहाँ से यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, और इस फॉन्ट का आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं 264 समथिंग लाइक दैट। और ये आपका जो लाइन है ऑटो, वो आपने ऑटो पे रखना है, जो पैराग्राफ लाइन है। तो आप इसको ऑटो पे या फिर आप इसके मुताबिक आप इसको ऑटो हाइट दे दे टेक्स्ट को। सो ये आपका आ गया। सो 64 इज आई थिंक वेरी बिग। सो यहाँ पे आप फाइंड द बेस्ट एम एंड स्टोर यूज। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप इसको थोड़ा सा इधर करके इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले आए, तो इतना भी बहुत है। आगे आपने कहना है कि स्क्रोल करें, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको साइज दे देते हैं 24 एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्रोल लेफ्ट, स्क्रोल लेफ्ट। तो ये आपने ये लिख दिया स्क्रोल लेफ्ट, आप स्क्रोल लेफ्ट करें तो उसके बाद सेकंड पोस्ट हमारी आ जाएगी। इसी को आपने कॉपी पेस्ट किया एंड इसको आप नंबर दे दें सेकंड, एंड यहाँ पे आपने अब टेक्स्ट और वो लिखना है। तो ये आपका आ गया। अब ये देखिए इधर मैंने कॉपी पेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, इसको आप हटा सकते हो। अब आप सेकंड को कंट्रोल शिफ्ट सी करें और आपने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी। सो आपका डायरेक्ट यहाँ पे भी पेस्ट हो रहा है और यहाँ पे आपने टेक्स्ट रखना है, तो दैट इज स्टार्ट योर डे एनी टाइम, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। ओ सॉरी, स्टार्ट योर डे एनी टाइम, ऐसे आ गया। स्क्रॉल टू लेफ्ट एंड उसके बाद ये आपका सेकंड आ गया। तो बैकग्राउंड पे जो इमेज है वो हमने अभी तक चेंज नहीं की, तो बैकग्राउंड की इमेज हम ऐसे चेंज करेंगे। ये है आपकी इमेज, आपने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आपने कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया और आपने बैकग्राउंड इमेज को हटा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेम कंट्रोल हमने सेलेक्ट किया, इसको पूरा हमने ड्रैग किया ताकि स्क्रीन में फिट आ जाए, और इस पे आप आल्ट प्रेस करके डबल क्लिक करना है ताकि क्रॉप आ जाए यहाँ पे, क्रॉप डायरेक्ट शॉर्टकट किया। तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो। अब हमने इसको भी ड्रैग करके ब्लर इफेक्ट पूरा इस पे अप्लाई करना है। सो ये आपका सेकंड पोस्ट एंड थर्ड पोस्ट आपकी ये हो गई। यहाँ पे अब हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। ओके, सो हमारे पास पोस्ट रेडी हो गई है। इनको आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट इन, आपने तीनों को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे आपकी नंबरिंग थोड़ी गलत आ गई है। ओके, सो आपने तीनों को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना है इन 2x, 3x जो भी है। सो मैं 3x पे करता हूँ एंड PNG और JPG जो आप सिलेक्ट करते हो, एक्सपोर्ट थ्री लेयर्स, ये साथ में एक्सपोर्ट हो जाएंगी और आपने यहाँ पे फिर लोकेशन दे देना है। तो उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको लिंक सॉरी जो वो है आपका इंस्टाग्राम है या फिर लिंक्डइन है, वो आप वहाँ पे कैसे अपलोड करते हो और उसके साथ आपका जो कंटेंट है, कंटेंट बहुत मैटर करता है। सो यहाँ पे आप देखते हैं कि आप कैसे पोस्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास
डेस्कटॉप में मैं सेव करता हूँ, सेव। एंड अब हम जाते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि ये हमारा द्वाड़े माइनर्स। तो ये हमने अभी अभी बनाया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका प्लस बटन है राइट इधर सेंटर पे, टॉप सेंटर पे, तो आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर। एंड यहाँ से आप क्या करोगे, डेस्कटॉप जहाँ पे आपने सेव किया है उधर आपने सारे के सारे सेलेक्ट करके ओपन करने हैं। एंड ये आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3, ये आपके पोस्ट हो गए। सो आपने इस तरह से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप अगर एडजस्टमेंट करते हो फिल्टर्स वगैरह, ब्राइटनेस जो कुछ है, तो वो देखें आपका इस तरह से हो रहा है सारा कुछ। तो मैं रीसेट करूंगा 0। एंड नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कैप्शन देना है, जो भी आपका कैप्शन है वो आप यहाँ पे दें। मेरा ऑलरेडी रेडी है, तो मैं इसको कंट्रोल ए एंड सारा सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो यहाँ पे आ गया हमारा पूरा डिजाइन। ओके, सो यहाँ पे एक चीज रहती है, फॉलो डिफाइनर्स। सो यहाँ पे आपने ये ऐसे नोट कर दिया। आपके लिए एक अलग दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आप डिजाइन अपना शेयर करना चाहते हैं, इस तरह के डिजाइन बना के आप शेयर करना चाहते हैं, हमारे पेज पे पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप जस्ट हमारा जो ईमेल है यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा इस पोस्ट में, तो आप सिंपल है dwaredesigners@gmail.com। सो आप वहाँ पे हमें पोस्ट किया करें, हम वहाँ पे आपका शेयर करेंगे इस जगह पे, इंस्टाग्राम पेज पे एंड लिंक्डइन पे भी, आपका नाम मेंशन करके। सो इस तरह से आपने शेयर करना है, तो हम यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे एंड ये आपका शेयर हो जाएगा, इधर योर पोस्ट हैज बीन शेयर्ड। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को एंड ये देखें पोस्ट हमारी रेडी है एंड ये देखें तैयार बन चुकी है हमारी। सो ये आपका आता है इंस्टाग्राम का, आप इस तरह से डिजाइन बना सकते हो इस तरह से। ये भी हमारा है, इसको भी हमने ऐसे ही डिजाइन करके अपलोड किया हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे हमारी वीडियोस के बारे में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।